ओम शांति। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। अपने पर मेहनत करनी है। ये जो घड़ी घड़ी देहाभिमान आ रहा है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, ये सब देहाभिमान के लक्षण है। देही अभिमान स्थिति आप कहां पे भी हैं, कहीं पर भी हैं, एकदम उपराम अवस्था होती है, क्योंकि राम के पास होते हैं ऊपर। अब देखना ये है कि आत्म अभिमानी, देही अभिमानी कितना रहते हैं। देह अभिमान के बहुत सारे कारण हैं आने के, पर देही अभिमानी बनना मुझको है, तकदीर मुझको अपनी महसूस होती है, डायरेक्शन मुझे मिला हुआ है, तो पालन भी मुझे करना है। आत्म अभिमानी भव का डायरेक्शन बाबा से मिला। अब ये अप्लाई कितना करते हैं? देह अभिमान तो बिना पूछे ही आ जाता है, छोटी छोटी बात पे आ जाता है। आप सारे दिन में अगर देखेंगे कितनी बार देह अभिमान आया तो टू मच आता है। देह, देह के पदार्थ, देह के संबंध, इन सब के ऊपर अगर ध्यान जाता है तो क्या जन्म लेता है? देह अभिमान। आत्मा समझना, परमात्मा की याद में रहना और आत्मिक स्थिति में रहना, आत्मा के गुण और शक्तियों को जागृत रखना, तो क्या स्थिति है? आत्म अभिमान, देही अभिमान। और ये डायरेक्शन मिला हुआ है कि इस समय तुम्हें क्या करना है, पर अपनी अवस्था नहीं है, मेहनत अपने ऊपर नहीं हो पाती, तो छोटी छोटी बातों को आधार बनाकर खुद को कमजोर समझते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ, उसने ऐसा किया। ये सारे बीज भी तो देह अभिमान के हैं, ये भी तो देह अभिमान को ही जगाएंगे, क्योंकि देह से जुड़ी, देह के संबंधों से जुड़ी और देह के पदार्थों से जुड़ी या किसी भी चीज से, देह के कनेक्शन से जुड़ी कोई भी चीज देह अभिमान में ही लाती है। तो अवस्था कैसी बनेगी, जबकि बड़ी ऊंची अवस्था चाहिए? तो कितनी मेहनत अपने ऊपर करनी अभी बाकी है, क्योंकि विचार ही नहीं करते, अपने आप से पूछते ही नहीं कि मेरी ऐसी स्थिति क्यों है, मुझे होना कैसा चाहिए और मैं हूं कैसे। ये समझ लेना कि मैं तो फीमेल हूं, ये भी देह अभिमान है। आत्मा मेल है, आत्मा ने चोला कौन सा पहना है उस पर क्या जाना, आत्मा क्या है? परमात्मा की याद में रहना है आत्मा को। इस समय थोड़ा सा समय जो मिला है वो याद में रहने के लिए मिला है, व्यर्थ में जाने के लिए नहीं। ये व्यर्थ तो किसी भी परिस्थिति में अपने आप बढ़ता चला जाता है, खत्म नहीं होता। कोई परिस्थिति आती है तो कितना व्यर्थ चलता है, समर्थ कहां चलता है? तो आत्म अभिमानी भव का डायरेक्शन मिला है और ये पालन करेंगे तकदीरवान बच्चे। ओम शांति।